हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया सैनी ऑफिशियल बहुत ही दिनों बाद ये वीडियो आ रहा है सो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एमेजन हॉल यहाँ पर मैंने वेस्टर्न कुछ कपड़े मंगाए हैं जिसमें कि जींस है और स्वेटशर्ट है जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एज ऑलवेज क्वालिटी की किस तरीके का कपड़ा आता है किस तरीके का डिजाइन आता है दिखने में कैसा लगेगा पहनने के बाद कैसा लगेगा ओवरऑल जो भी लुक आती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी प्राइसिंग डिटेल आप लोगों को बता दूंगी वर्थ है नहीं है अदरवाइज आप लोग चेकआउट कर सकते हैं लिंक मिल जाएंगे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोई फोर्स नहीं है अगर पसंद आए अच्छा लगे तभी खरीदना so तो विदाउट लेट्स सबसे पहले आई एम स्टार्टिंग विद माय मोस्ट फेवरेट ऐसा नहीं है कि महंगा है कम है सस्ता है मैंने वो चीजें खरीदी है जो कि ऐसी हो लंबे समय तक चले ऐसा नहीं कि आज लिया कल खराब हो जाए सो माय मोस्ट फेवरेट जींस जो कि मैंने सेकेंड टाइम परचेज की है दिस इज पेपे जींस और ये बहुत ही ज्यादा अच्छी है और आपको सेल में बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाती है तो चेकआउट कर सकते हैं पर चल रही है ग्रेट रिपब्लिक डे सेल और मिलता है ह्यूज डिस्काउंट इस जींस की सबसे अच्छी खासियत ये है कि इसकी जो शेप है वो कुछ इस तरीके की है ये आपको वेस्ट लाइन इतनी सुंदर मिलती है जिससे कि आपकी फिटिंग जो है वो बहुत ही औसम आती है ये जींस पहनने के बाद बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है एक बॉडी फिट टाइप लुक देती है लेकिन आप इसमें बैठ सकते हैं उठ सकते हैं आप एकदम स्ट्रेचेबल होती है कि आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि लाइक आपने कोई चीज पहनी हुई है जो आपको बहुत ज्यादा ईचीनेस कर रही है आपको बहुत ज्यादा दिक्कत दे रही है नहीं बहुत ही अमेजिंग है यहाँ पर आप इसकी सिलाइया देख सकते हैं स्टिचिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर स्टिचिंग्स काफी ज्यादा अच्छी है इसकी यहाँ पर इसका बटन आपको काफी ज्यादा सुंदर मिलता है जो कि काफी ज्यादा स्टर्डी है ईजी है यहाँ पर मैंने इसका कलर ये मंगाया है जिस क्योंकि मेरे को लगता है कि ब्लू कलर इज द कलर जो कि काफी ज्यादा अच्छा चलता है और ये ही एक कलर है जो फेड होने के बाद थोड़ा सा लाइटिश ब्लू आ जाता है तो आप इसे इजीली तब भी पहन सकते हैं ये वेस्ट साइज जो मैंने मंगाया है ये थर्टी है आप अपने अकॉर्डिंग मंगा सकते हैं नेक्स्ट है हमारा ये क्यूट सा स्वेट जो कि है सिंपल की तरफ से और यहाँ पर मैंने इसका मंगाया है स्मॉल साइज यहाँ पर आप देख सकते हैं राउंड शेप है बहुत ही अच्छी लाइनिंग दी गई है इसमें डिजाइनिंग दी गई है इसके नेक पे सिंपल जो हमारा स्वेट शर्ट का शेप होता है वही है काफी अच्छी इसकी स्लीव्स मिल जाती हैं अगर मैं अंदर से बात करूं तो अंदर से काफी ज्यादा वार्म है ये काफी ज्यादा सॉफ्ट कपड़ा है इसके अंदर और काफी ज्यादा वार्म है तो आप इजीली इसको कैरी कर सकते हैं इजीली इसे पहन सकते हैं कई लोगों को ये चीज पसंद नहीं होती तो आप लोग जब स्वेटशर्ट खरीदते हैं तो उसमें आप लोग देख सकते हैं डिजाइन में डिजाइन में काफी ज्यादा यहाँ पर फ्री लुक भी आते हैं आप वो भी ले सकते हैं तो यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो बड़ा ही ब्लैक एंड वाइट सा है एक बड़ा ही बीची सी फील देने वाला लेकिन हाँ कलर की वजह से आप लोगों को लगेगा नहीं कैसे भी पहन सकते हैं आप इसे विंटर्स और समर्स दोनों में पहन सकते हैं समर्स में आप इसे ऐसे ये पहन सकते हैं विंटर्स में आप इसके नीचे हाई नेक कैरी कर सकते हैं या फिर आप इसके नीचे कोई भी स्वेटशर्ट पहन सकते हैं ऊपर से आप इसे पहन सकते हैं बहुत ही अच्छा लगता है और टॉप टाइप है ये एक शर्ट का लुक देती है यहाँ से वी नेक बहुत ही प्यारा बना हुआ है यहाँ पर ये दो बटन्स दिए गए हैं इसमें जो कि बटन्स ओपन वाले नहीं है ये सिर्फ शो के लिए यहां पे दिए गए हैं ब्लैक कलर के दो बटन्स हैं और ये बहुत ही प्यारी कुछ इस तरीके की आती है सो so, ये शॉर्ट्स के साथ काफी ज्यादा अच्छा लुक देगी कपड़े की अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो कपड़ा बहुत अच्छा है ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा ज्यादा ट्रांसपेरेंट पतला नहीं कॉटन का अच्छा ब्लेंड कपड़ा है और काफी अच्छा इसका प्रिंट है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें तो so, इस वीडियो की जो लास्ट जींस है वो ये जींस है जो कि कोटी की तरफ से है इसमें आजकल जैसे कि आपने देखा है ब्लैक पैंट्स में आजकल चल रहा है थोड़ा फेडेड वाले में जो कि डिस्पर्स कलर होता है वाइट एंड ब्लैक का वो मुझे थोड़ा इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लगा क्योंकि वो थोड़ा सा फेडेड लुक में आता है तो आई थॉट uh, कि मैं यही वाला परचेस करूँ जो कि प्योर ब्लैक है और इसके रिव्यूज भी काफी ज्यादा अच्छे थे सो आई थॉट वाई नॉट ट्राई दिस वन दिस टाइम क्योंकि मैंने कॉटी की कभी जीन्स ट्राई नहीं करी है सो so, ये है फ्रॉम द ब्रांड कॉटी और ये कुछ इस तरीके की प्लाजो हाई वेस्ट जीन्स है सबसे पहली चीज दिस इज हाई वेस्ट जीन्स और जो मेरी पैपे जींस की थी वो नॉर्मल जीन्स है लो वेस्ट जीन्स है ठीक है आ, बहुत ही अच्छी प्लाजो पैंट के साथ आती है आप इसको अब आप कहेंगे नीचे से ऐसा क्यों देते हैं ये नीचे से इसीलिए ऐसा देते हैं आप अपनी आपकी जितनी लेंथ हो आप उतना कटवा सकते हैं इसको और बाद में इसे मुड़वा सकते हैं तो ये इस तरीके से आपको फुल लेंथ मिलती है आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं नो no स्टिचिंग यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है जैसे कि उसमें डिज़ाइनिंग के तौर पर दिया गया था प्योर ब्लैक कलर विद बटन बहुत अच्छी शेप है इसकी भी जीन्स की आप देख सकते हैं सो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है क्या होता है ना इस चीज़ से अगर आपकी ये चीज़ जींस में बड़ी होती है तो इससे आपका जो एरिया होता है वो काफ़ी अच्छे तरीके से कवर हो जाता है वो आप लोगों के लिए बेस्ट होता है सो आजकल सभी जीन्स में ये चीज़ें आ रही है और अगर आप अपने लिए भी परचेज करें अपने तरीके से भी परचेस करें या आप खुद से भी परचेस करें या ऑफलाइन भी करें तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें जीन्स में देखना कि उनका वेस्ट एरिया कुछ इस तरीके का हो तो so, आज की वीडियो में इतना ही प्रोडक्ट्स के लिंक आप लोगों को मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताना ना भूलें कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा लगा अगर इनमें से कोई आइटम खरीदते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप लोग टैग कर सकते हैं प्रिया सैनी ऑफिशियल वहाँ पर मैं बहुत सारे वीडियोज डालती रहती हूँ लिप्सिंग वीडियो डालती रहती हूँ अगर आप लोगों को चेकआउट करना है और मेरी डेली लाइफ में क्या क्या चल रहा है सो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं चल रही है एमेजन पर सेल तो उसका फायदा उठाना ना भूले पंद्रह जनवरी से सेल स्टार्ट हो गई है यानी कि जो प्राइम मेंबर्स है उनके अर्ली एक्सेस हो चुका है और आप लोगों के लिए भी जल्दी ही लाइव हो जाएगी फ्रॉम सिक्सटी so, यहाँ पर आप लोग इस सेल का फायदा उठा सकते हैं डिस्काउंट ले सकते हैं और जितना ज्यादा बेनिफिट हो सकता है उतना उठा सकते हैं काफी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में बहुत ही महंगे महंगे ब्रांड्स आप लोगों को मिलने वाले हैं So अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करे शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और प्लीज मुझे बताएं कि आप लोगों को कौन कौन सी चाहिए क्योंकि अब मैं कंटेंट बनाना स्टार्ट करने वाली हूँ सो आई हैव लॉट्स ऑफ आइडिया कि किस किस पर वीडियो होनी चाहिए बट अगर आप लोग मेरी मदद करेंगे तो मुझे काफी अच्छा लगेगा मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ चिल्ड्रन बाय टेक केयर